नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं DRDO MTS के ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको 101% नीड होगी अगर आप DRDO MTS का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें भी मैं आपको बताऊँगा इसके ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में दिख रहे घंटे के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 23 दिसंबर से DRDO में MTS के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। कुल दोस्तों 1800 से भी ज़्यादा पोस्ट हैं जो कि आपकी हर एक कैटेगरी में डिवाइड हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने 10वीं कर रखी है या फिर आपने ITI कर रखी है तो डेफिनेटली आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, केवल अगर आपने 10वीं कर रखी है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे, और केवल अगर आपने ITI कर रखी है यानी 8th के बाद ITI कर रखी है तो भी आप इसके लिए फॉर्म डाल पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने 10th कर रखी है तो 10th की मार्कशीट, अगर आपने 10th और ITI दोनों कर रखी है तो दोनों आपको लगानी होंगी। उसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने केवल ITI कर रखी है तो ITI की मार्कशीट आपको चाहिएगी। दोस्तों, उसके बाद अगर आप SC ST OWC या फिर किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो EWS हैं, तो आपको इन सभी का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। यानी अगर आप रिलैक्सेशन चाहते हैं मार्क्स में, एज में, तो आपको उस पर्टिकुलर कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। उसके बाद दोस्तों, आपको चाहिए होगा आपको कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर। दोस्तों, आप जो है अपना जो भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगाएं, मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि उसकी कम से कम 10 से 15 कॉपियां आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब आप Tier 1 देने जाओगे तब भी आपको जो है एक दो फोटो की रिक्वायरमेंट होगी, जब आप Tier 2 देने जाओगे तब भी होगी, उसके बाद जब आपका स्क्रीनिंग यानी DV होगा उस टाइम पर भी आपको वेरिफिकेशन की जरूरत होगी। तो काफ़ी आप ये कह सकते हैं कि कम से कम 10 तो आपको सेम कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए। दोस्तों, उसके बाद आपको सिग्नेचर यानी ब्लैक पेन से आप सिग्नेचर कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको एक ID चाहिएगी, चाहे आप ड्राइविंग लाइसेंस लगाइए या फिर कोई भी आप जो है लगा सकते हैं, आधार कार्ड हो गया तो और भी अच्छा है। यानी ये जो 4 से 5 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताएं दोस्तों, ये आपको 101% चाहिएंगे अगर आप DRDO का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये बेसिक क्वालिफिकेशन की नीड है। यानी ये 4 चीज़ आपको बिल्कुल रेडी रखनी है जब आप फॉर्म भरने जाओ। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो DRDO के एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे वो ऑल ओवर इंडिया रहेंगे, यानी काफ़ी ज़्यादा सेंटर्स की लिस्ट दी हुई है, उसमें से एक आपको चूज करना होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, आप केवल Tier 1 एग्जाम के लिए ही एग्जाम सेंटर चूज कर पाएंगे। Tier 2 का जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो DRDO सेप्टम अपने आप से देगा, यानी वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से Tier 2 का जो है एग्जामिनेशन सेंटर आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कराएगा। तो दोस्तों, ध्यान से सेंटर चुनिएगा, जो आपके नियरेस्ट हो वही सेंटर चुनिएगा। और यहाँ पर दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म आएंगे तो आपके साथ कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहेगा, तो आप जरूर से तैयारी में अभी से लग जाइए। दोस्तों, अगर मैं आपको एक एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट की बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों फेबररी में या फिर मार्च में आपका एग्ज़ाम 101% हो जाएगा। पिछली बार दोस्तों आपने देखा होगा DRDO टेक्नीशियन के फॉर्म निकले थे, उसका भी एग्ज़ाम दोस्तों 1 महीने के बाद ही हो गया था, जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट थी उससे 1 महीने बाद ही हो गया था। उसके बाद दोस्तों September 9 A&A के निकले थे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, ये वेरियस पोस्ट थी, उसका एग्ज़ाम भी दोस्तों लास्ट डेट से 1 महीने के बाद ही हो गया था। और DRDO MTS के एग्ज़ाम होने के भी दोस्तों 1 महीने के बाद ही जो है मैक्सिमम चांसेस हैं। तो फरवरी या मार्च में एग्ज़ाम 101% हो जाएगा, तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। बाकी दोस्तों, हम भी इसके लिए आपके लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो DRDO MTS से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। जैसे इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि किस प्रकार आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपको एक और नई वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।